दोस्तों नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बुकर प्राइज़ 2022 किसे दिया गया है इस साल दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जानकारी नहीं होती है दोस्तों, उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टन दोस्तों इसमें पॉइंट कवर किए गए हैं, बताए गए हैं, उन्हें जरूर देख लें क्योंकि वो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बुकर प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है। विकल्प में देखेंगे अरविंद अडिग, किरण देसाई, गीतांजलि श्री या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर सही उत्तर जाएगा वो जाएगा सी वाला, गीतांजलि श्री को जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों अभी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आ पाए। प्रमुख बिंदु, पहला पॉइंट देखेंगे, गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट में देखेंगे गीतांजलि श्री को उपन्यास ट्यूब ऑफ सैंड के लिए जो है प्रदान किया गया है, जो उपन्यास है इसके लिए जो है ट्यूब ऑफ सैंड के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट में देखेंगे ट्यूब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री का हिंदी उपन्यास रेत समाध का अनुवाद है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें एक अनुवाद है ट्यूब ऑफ सैंड, ध्यान रखें। नेक्स्ट में देखेंगे इस उपन्यास को अंग्रेजी जो अनुवाद किया है मशहूर अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें डेजी रॉकवेल ने है इस उपन्यास का जो है अनुवाद किया है अंग्रेजी में, ध्यान रखें। रेत समाधि उपन्यास 80 साल की वृद्धा की कहानी है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट में देखेंगे यह हिंदी का पहला उपन्यास है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट में देखें जी गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखें आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यह अंग्रेजी में अनुवाद एवं इंग्लैंड और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। जानते होंगे आप इंग्लैंड और आयरलैंड में जो प्रकाशित पुस्तक है उन्हें हर साल ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।